महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको एक बार फिर खो दिया और फिस्कल डिसिप्लिन जो है उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया। आप अनाउंसमेंट तो हर रोज करते हैं पर यह नहीं बताते कि पैसा कहां से आएगा। यह सारा पैसा जो है अगर उपलब्ध नहीं तो क्या यह सारा पैसा सरकार ब्याज पर लेकर एक चुनावी वर्ष में एक जुमले की तरह इस्तेमाल करेगी? ब्याज पर लेकर अगर आप नई स्कीम्स चलाएंगे तो सरकार का तंत्र और सरकार की बजटरी प्रक्रिया चलेगी कैसे? इसलिए ये उन्होंने सही कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट नहीं, ये अकाउंट फॉर वोट्स है। और ये सारी स्कीम्स जो आज जब सरकार चली गई और 90 दिन बचे हैं तब आप इनकी घोषणा कर रहे हैं, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे आप? वाहवाही तो लूट रहे हैं 2.5 लाख से 5 लाख इनकम टैक्स एग्जम्पशन की, पर क्या मोदी जी और अंतरिम वित्त मंत्री बताएंगे कि 5 साल तक उन्होंने ये लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? और जब बढ़ाई है तो वो उनके जाने के बाद लागू होगी, यानी अगली सरकार ही इसको लागू कर पाएगी। मोदी जी का इन सारी घोषणाओं से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जाते जाते मात्र घोषणा सरकार ने घोषणा कर वाहवाही लूटने की कोशिश की, ने वास्तविकता से इसका कोई वास्ता है और ना यथार्थ से। ये एक ऐसा अंतरिम बजट है जिसके माध्यम से वोट बटोरने की कोशिश तो की गई और जनता का मूर्ख बनाने की भी, पर ये भूल गए प्रधानमंत्री और अंतरिम वित्त मंत्री कि देश की जनता बुद्धिमान है और एक ऐसी सरकार जिसकी विदाई की तैयारी है उनके इन जुमलों से वो प्रलोभन में नहीं आने वाली। धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।